उससे मुझे लगा कि गांधी को जो हम महान मानते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि गांधी के संपर्क में जो लोग आए उनको भी उन्होंने महान बना दिया। जो लोग गांधी के संपर्क में आए, जैसे दीदी उनके संपर्क में आई, ऐसे बहुत से लोग थे जो गांधी के संपर्क में आए और जिन्होंने एक नई दिशा उनको दी। लेकिन गांधी का काम तो सिर्फ लोगों को, हज़ारों लोगों को एक नई दिशा देने का था, प्रेरणा देने का था। उनमें से बहुत कम लोग उस प्रेरणा को प्राप्त करके उस मार्ग पर चल पाए। उनमें से एक दीदी गीता जी थी। जिस समय ये स्कूल आरंभ की गई 1952 के समय, उस समय राजस्थान में क्या पूरे भारत में सरकार से अलग होकर निजी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने का विचार बहुत कम लोगों में था, क्योंकि उस समय बहुत कम ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें निजी शिक्षण की कोई बात की जाती थी। भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी के पश्चात चूँकि सरकार हमारी बनी थी तो ये माना जाता था कि अब सारा काम सरकार का है, सरकार सब कुछ करेगी। उसमें शिक्षा, चिकित्सा और सब चीज़ें सरकार के पास थी। 1952 का समय जब सरकार सब सर्वाधिक शक्तिशाली हुआ करती थी और सब कुछ कार्य सरकार के द्वारा किए जाते थे। निजी शिक्षण संस्थाएं कैसे खुले इसके नियम भी नहीं बने हुए थे मुख्य रूप से। तो ऐसी स्थिति में कोई महिला, विधवा महिला, ये प्रेरणा ले और वो एक बच्चों के लिए स्कूल खोले, बहुत बड़ी बात है। आप शायद आज हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आज शिक्षण संस्थाओं को खोलने का एक व्यवसाय सा बन चुका है और जो अधिकतर शिक्षण संस्थाएं खुल रही है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। और अब तो ये भी माना जा रहा है कि ये इस प्रकार की परमिशन भी दी जा रही है या देने वाले हैं कि कोई कंपनी बनाए और जो दूसरे प्रोडक्ट बनाती है उसी प्रकार से शिक्षण को भी एक प्रोडक्ट बनाकर अगर वो रजिस्टर कराना चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड तो वो करा सकते हैं। तो आज तो ज़माना पूर्णतः कॉमर्शियल होता जा रहा है, लेकिन जिस समय दीदी ने इस शिक्षण संस्थान की स्थापना की उस समय सिवाय कमिटमेंट के और कुछ भी नहीं था। तो मैंने जब दीदी से बहुत बार बात की तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं बहुत यंग था उस समय, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप गांधी को पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय में नया युवा पीढ़ी गांधी को ज़्यादा समझती नहीं है, पढ़ना नहीं चाहती है। तो मेरा तुमसे एक ही आशीर्वाद है, रिक्वेस्ट, जो भी मानो मानो, तुम गांधी को पढ़ना छोड़ना मत, कमिटमेंट। मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन जो कुछ गांधी से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि तुम उससे शिक्षण संस्थान से जुड़े हो, टीचर हो, तो तुम पता नहीं कितना इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस में कर पाओगे, लेकिन पढ़ना तो कम से कम कर ही सकते हो। वो बात मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा कि, और उससे मैंने प्रेरणा ली कि जो सबसे बड़ी बात जीवन में आदमी को बड़ा बनाती है वो है कमिटमेंट। और उस कमिटमेंट को भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया मुझे कि कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति कमिट हो या किसी संस्था के प्रति कमिट हो। कमिटमेंट का अर्थ है आप प्रतिबद्धता आपकी मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, और मूल्य चूंकि आप गांधी पढ़ते हो तो गांधीवादी मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। तो मैंने उनसे बातचीत करते समय मैंने कहा कि दीदी क्या आप क्या समझती है कि गांधीवादी कौन से मूल्य हैं जिसके प्रति आज के समाज में हम प्रतिबद्ध रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटे वो जो गांधी के मूल्य थे वो समय पर आधारित नहीं थे, काल पर आधारित नहीं थे, वो सार्वभौमिक थे, वो हमेशा रहने वाले थे, सार्वकालिक थे। सत्य और अहिंसा, ये दो जो मार्ग गांधी ने बताए, उन मूल्यों को आप अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते रहिए और जीवन में उसको चलाते रहिए, जितना चला सकते, 1%, 0.5%, 0.5%। अगर आप जो निर्णय लेते हैं समाज अपने जीवन में, उन निर्णयों को लेते समय अगर आप 100 निर्णय लेते हैं उसमें से अगर आप 5 निर्णय भी सत्य और अहिंसा को ध्यान में रखकर लेंगे तो मैं मानती हूँ कि आपने गांधी को पढ़ा है। तो बहुत बड़ी बात जो हमें सीखनी चाहिए दीदी से वो है कमिटमेंट, कि आपकी प्रतिबद्धता क्या है। जीवन में जिनकी प्रतिबद्धता नहीं है वो वास्तव में मनुष्य के रूप में जीने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्यता का अर्थ ही मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होनी है। ये मनुष्यों के पास ही गुण है कि वो मूल्य को समझ सकते हैं,
मूल्य का अर्थ क्या है बच्चों, आप जानते हो मूल्य का अर्थ होता है मुख्य रूप से सही और गलत में अंतर करना। आपका मूल्य क्या है कि आप अहिंसा को मूल्य मानते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप अहिंसा को सही मानते हैं। आपका मूल्य अगर सत्य है तो इसका अर्थ यह है कि आप सत्य को सही मानते हैं, झूठ को सही नहीं मानते। आप अहिंसा को सही मानते हैं, हिंसा को सही नहीं मानते। तो मूल्य वो आधार है जिससे हम सही और गलत में निर्णय करते हैं नैतिकता के आधार पर। और ये डिफ्रेंशिएशन करना, ये अंतर करना केवल मनुष्यों के लिए ही संभव है। जो दूसरे प्राणी होते हैं वो मूल्यों के आधार पर अंतर नहीं कर पाते, वो केवल अपनी प्रवृत्ति के आधार पर अंतर करते हैं कि ये उनके लिए हितकर है या नहीं है, ये उनकी प्रवृत्ति होती है। लेकिन मनुष्य मूल्यों के आधार पर निर्णय करता है कि उसको क्या करना चाहिए, चाहे वो हितकर नहीं हो तब भी वो उसको करेगा, और चाहे हितकर हो तब भी नहीं करेगा। मुझे अच्छा लगे हमको सड़क पर हम अभियान बहते हो और हमको 10 रुपये का नोट मिल जाए तो ये हितकर है कि हमारे पास 10 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि हम देखें किसके जेब से गिर गया है और उसको दे दें। ये डिस्टिंक्शन सिर्फ मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं करता। कि उसको खाने की चीज़ मिली हुई हो तो वो डिस्टिंक्शन नहीं करता कि इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसको नहीं सोचता, अगर उसको भूख है, उसकी इच्छा है तो उसको खाएगा, अगर उसकी इच्छा नहीं है, भूख नहीं है तो नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य ये अंतर करता है कि हमको भूख लगी है और हम किसी के घर पर बैठे हैं तो अगर कोई हमको ऑफर नहीं करता है, हमको कहता नहीं कि आप खाइए, तो हम अपनी भूख को दबा के रखेंगे, खाएंगे नहीं, क्योंकि हमें लगेगा कि ये नैतिकता का तकाजा नहीं है। ये डिस्टिंक्शन करना, ये मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। और दीदी की गांधीवादी मूल्यों के प्रति जो प्रतिबद्धता थी उसके कई किस्से हैं। जैसा आपने कुछ बताया कि वो इतनी प्रतिबद्ध थी कि एब्स्ट्रैक्ट मूल्य में प्रतिबद्ध नहीं थी। जैसे हम लोग हैं, हम कक्षा में पढ़ते हैं तो हम तो एक अमूर्त मूल्यों के बारे में बात करते हैं बच्चों को बताने के लिए। वो अमूर्तता में विश्वास नहीं करती थी, वो मूर्तता में विश्वास करती थी कि अगर गांधी का ये मूल्य है कि सभी को समान समझा जाए, या गांधी का एक मूल्य हम सब लोग जानते हैं जो उन्होंने सरकारों के लिए कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि साहब ये बताइए कि हम कोई निर्णय लें तो उस निर्णय सही है या गलत है, इसका क्या मापदंड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी निर्णय के दोनों तरह के पक्ष होते हैं, तो उसका क्या मापदंड हो। तो गांधी ने एक सूत्र दिया था जिसे तालिस्मान, गांधी का तालिस्मान कहते हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप निर्णय लें तो आप अपने एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सबसे गरीब व्यक्ति के चेहरे को ध्यान में लाइए और देखिए कि जो निर्णय आप ले रहे हैं उससे उस गरीब व्यक्ति के आँख का एक आंसू अगर कम होता है तो आपका निर्णय सही है, और कोई मापदंड की आवश्यकता नहीं है। तो दीदी ने, ये एक सिद्धांत है जिसको दीदी ने व्यवहार में बताया, जैसा भी बताया कृष्णा जी ने कि उन्होंने दिव्यांगों को भी समान अधिकार दिए, बल्कि ज़्यादा दिया, प्रेफरेंस दी कि जो सबसे गरीब है, जो सबसे पिछड़ा है, जिसको समाज से नहीं अपने शरीर से भी जो पिछड़ा हुआ है उसको सबसे अधिक सहायता करने का प्रयास करना, ये गांधी का मूल मंत्र है कि निर्णय सही है या गलत है। तो उनसे बात करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस प्रकार के भाषण वगैरह दिए थे उसके बाद बैठे थे तो उन्होंने कहा नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हो और आप गांधी पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी आपसे फिर ये अनुरोध है कि इसको छोड़ना मत, क्योंकि जो समय चल रहा है उस समय में गांधी विरोधी ताकतें बहुत ताकतवर होती जा रही है, न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जितना समाज उपभोक्तावादी बनता जा रहा है उतना ही गांधी विरोधी ताकतें ज़्यादा बढ़ेगी, उसमें कुछ लोग ही इसकी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, उन लोगों में से आप नए हो, ऐसे आपसे बहुत से लोग इससे जुड़े रहने चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरे जीवन में जो गांधी पढ़ने की ललक बनी रही, अभी तक पढ़ता रहता हूँ मैं थोड़ा बहुत, उसका एक बहुत बड़ा कारण ऐसे महान विभूतियों से मिलना था जिन्होंने गांधी को अपने जीवन में साकार किया है, उनमें से एक दीदी थी। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा स्थापित महाविद्यालय विद्यालय में काम कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है, जब आप अपने मूल्यों के प्रति कमिटेड होते हो, तब आपको नए प्रकार के प्रयोग करने चाहिए जीवन में। जो उम्र आप लोगों की है वो उम्र ये नहीं है कि आप जो लकीरें हैं परंपरा की उन परंपरा की लकीरों पर चलें। जैसे अभी कृष्णा दीदी ने बताया कि जाति तोड़ो, एक उदाहरण दिया, तो जो परंपरा हजारों वर्षों की हमारे बनी हुई है
उन परंपराओं को तोड़ने का काम भी गांधीवादी मूल्यों के प्रति कमिटमेंट को बताता है, जैसा दीदी ने स्वयं अपने जीवन में किया कि उन्होंने बहुत सी परंपराओं को तोड़ा। वैधव्य जीवन का एक स्वरूप जो भी कमला जी ने बताया, उस स्वरूप को हमारे भारत शहर भारत में एक भयानक यथार्थ के रूप में हम देखते हैं, उसको तोड़कर उन्होंने एक नई दिशा आरंभ की। उन्होंने सरकार पर निर्भर न रहकर अपनी क्षमता से, अपने प्रतिबद्धता से उन्होंने स्कूल और बच्चों को शिक्षा देना आरंभ किया। तो बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रतिबद्धता होने के साथ का अर्थ यह है कि आपको नए प्रयोग करने होंगे, और अगर आप नए प्रयोग करते हो तो जीवन में सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक है। जितने भी महान लोग हुए हैं वो सब वो हुए हैं जिन्होंने कि लीक से हटकर अपनी बात करी है। आप जानते हैं बुद्ध की कहानी, आप जानते हैं महावीर की कहानी, वो राजा थे जिन लोगों को हम सब लोग जीवन में कोशिश करते हैं कि राजा बन जाए कैसे करके, लेकिन वो राजा थे और उन्होंने उसको छोड़कर एक दूसरे प्रकार का जीवन अख्तियार किया, जिसके कारण से हम उनको आज भी याद करते हैं। ऐसे महान लोग हैं, पुराने लोगों की छोड़ें, आप नए लोगों की बात करें। आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल के फ़ोन का आविष्कार किया। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने, वो इतना धनी था जितना कि उस एक समय में दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन कभी भी उसने धन का उपयोग अपने लिए नहीं किया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो 15-15 दिन 20-20 दिन तक बिना नहाए धोए एक ही जीन्स की पैंट और एक ही शर्ट पहने अपने ऑफिस में जाता और वहाँ पे काम करता रहता है कि नए प्रकार से कैसे नई चीज़ देखूँ मैं, क्या नई चीज़ का आविष्कार कर सकता हूँ। तो आईपॉड का आविष्कार किया 2007 में, फिर आईफोन का आविष्कार किया, फिर घड़ी आई, बहुत सी चीज़ें आई। तो जो व्यक्ति नए एक्सपेरिमेंट करता है उसी से एक नए प्रकार की उत्तर की संभावना है, नए प्रकार के रिजल्ट की संभावना होती है। और अगर हम नए एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जीवन में हम महान कैसे बन सकते हैं। महान बनने की जो क्षमता है हमारी, वो इस बात में निहित है कि हम नए एक्सपेरिमेंट करें जो अब तक किसी ने नहीं किए हैं। एक छोटी सी कहानी है बच्चों को मैं सुनाना चाहूँगा इस अवसर पर, कि एक राजा था और राजा एक बार अपने राज्य में, अपने शहर में निकला हाथी पर सवारी से। और जैसा कि राजा एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि जब वो हाथी पर निकल रही है उनकी सवारी, तो सब लोग जो आसपास हैं, दुकानों में बैठे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, वो सब अपना काम छोड़कर उनको हाथ जोड़े, उनको नमस्कार करें। सब लोग ऐसा कर भी रहे थे जब वो निकल रहा था। तो एक रास्ते में जब वो गया तो देखा कि एक दुकान में एक वृद्ध व्यक्ति कुछ लकड़ी का काम कर रहा था। उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा कि कौन लोग कौन जा रहा है। तो राजा की जब नज़र पड़ी तो उसने कहा, ये व्यक्ति बूढ़ा दुकान में बैठा है मेरी तरफ पीठ किए हुए, और मेरे को बिल्कुल ही संज्ञान नहीं दे रहा है मेरा कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अपने सिपाहियों के कि इस व्यक्ति को लेकर जेल में डाल दो, ये मेरा सम्मान नहीं करता। उसको जेल में डाल दिया गया। शाम को राजा उससे जेल में मिलने पहुँचा और राजा ने कहा कि आपको पता है कि आपको जेल में क्यों डाला? तो उसने कहा, साहब नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों डाला आपने। उसने कहा, मैं जब निकल रहा था तो तुमने मुझे सलाम नहीं किया, और अभी भी मैं जब आया हूँ और तुम जेल के, मैंने बुलाया तुमको अंदर से, तो तुम मुझको अभी भी सलाम नहीं कर रहे हो। तो तुमको समझ में नहीं आई कि राजा जब होता है उसको सलाम करना चाहिए? तो उसने कहा, साहब मेरे को तो ये समझ में नहीं आई, क्योंकि मुझे तो ये समझ में आई हुई है कि राजा जो भी होता है वो ये चाहता है कि प्रजा अपना काम पूरे मन से करती रहे, तो राजा खुश होता है। तो जैसे हम शिक्षक हैं तो हम चाहते हैं कि कक्षाओं में बच्चे पढ़ते रहें, हमको सलाम करें ये आवश्यक नहीं है अपना काम छोड़ के, लेकिन अगर अपना काम कर रहे हैं तो हमको बड़ा ज़्यादा वो सलाम हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मुझे तो ऐसा मालूम था कि अच्छे राजा वो होते हैं जो कि ये मानते हैं कि जो काम कर रहा है व्यक्ति वो काम करता रहे, अच्छा काम करे। तो उसने कहा, अभी तक तुमको समझ में नहीं आया कि राजा का सम्मान कैसे करना चाहिए, इसलिए उसने कहा कि मैं आज्ञा देता हूँ कि इसको कल शाम को फांसी लगा दी जाए। इसको समझ में नहीं आई बात, इसको दंड मिलना आवश्यक है। और फिर उससे पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है जब मैंने फांसी की सजा दे दी है, अब तो आपको समझ में आया सम्मान का क्या अर्थ होता है? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि साहब मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात का दुख जरूर है। उसने कहा, क्या दुख है? मरने का दुख है आपको? तो उसने कहा, नहीं मरने का दुख नहीं है, मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, वैसे ही मर जाऊँगा कभी भी, लेकिन मुझे दुख यह है कि मैं अगर कल फांसी पर चढ़ गया तो मेरे साथ एक
कला है, विद्या है जो मुझको आती है केवल, वो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि मैं किसी को सिखा नहीं पाया। तो राजा ने कहा कि ऐसी कौन सी कला है जो तुमको आती है विशेष रूप से? तो उसने कहा मुझे कला आती है कि मैं घोड़ों को उड़ा सकता हूँ, घोड़ा उड़ा सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ये कला, घोड़े को उड़ाने की कला मैंने तो सुनी नहीं कभी। तो राजा ने कहा ये कला तो मुझे आनी चाहिए, मैं राजा हूँ, तो क्या तुम इसको 6 महीने में सिखा सकते हो? तो उसने कहा हाँ मैं सिखा सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी सजा 6 महीने के लिए मुलतवी की जाती है और तुम कल से घोड़ा सिखाना आरंभ करो किसी को, मेरे किसी व्यक्ति को। राजा वहाँ से चला जाता है। तो जो दूसरे लोग जेल में बंद थे उसके साथ, वो सब उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि आप बड़े अजीब आदमी हो, मूर्ख आदमी हो, घोड़े को कोई कैसे उड़ना सिखा सकता है? अब ऐसी पागलों जैसी बातें करते हो जेल में बंद होते ही। तो उसने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैंने सारी दुनिया देखी है। देखो अब मैं तुमको समझाता हूँ जो कुछ मैंने कहा उसका क्या अर्थ है। उसने कहा उसका पहला अर्थ तो ये है कि मेरी सजा 6 महीने के लिए टल गई जब मैंने कहा कि मेरे को विद्या आती है तो मैं राजा को समझता हूँ, राजा की लालच को समझता हूँ, तो उसने 6 महीने के लिए मेरी सजा टल गई। इस 6 महीने में हो सकता है कि मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं वैसी मृत्यु हो जाएगी, मेरे को फांसी तक नहीं जाना पड़ेगा। इस 6 महीने में ये हो सकता है कि मैंने सुना है कि जो पास के देश हैं वो इस देश पर आक्रमण करने वाले हैं, तो अगर वो आक्रमण करते हैं और इस राजा को हरा के दूसरा राजा बन जाता है तो मेरी को वैसी मुक्ति मिल जाएगी, वो कहेंगे ऐसे वृद्ध व्यक्ति को क्यों रख रखा है। इस 6 महीने में ये भी हो सकता है कि जो राजा के आसपास के लोग हैं वो सब राजा को समझाएं 2-3 दिन 10 दिन बाद कि आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, एक वृद्ध व्यक्ति है उसको सजा देने से आपको क्या लाभ होगा, आपकी बदनामी होगी, इसलिए इसकी सजा माफ़ कर दीजिए। तो हो सकता है राजा का मन बदल जाए और राजा मेरी सजा माफ़ कर दे। इन 6 महीने में ये भी हो सकता है, मैंने सुना है कि राजा के जो सगे संबंधी हैं वो भी राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कि राजा बनना चाहते हैं, तो उनमें से कोई राजा को मार दे और कोई दूसरा राजा बन जाए तो वो सोचे कि जो राजा ने पुराने राजा ने जिनको बंद किया था उनको छोड़ दिया जाए। ये भी हो सकता है कि राजा को खुद को हार्ट अटैक आ जाए और 6 महीने मर जाए। और अंत में उसने कहा कि ये भी हो सकता है कि क्या पता घोड़ा उड़ना सीख जाए क्योंकि किसी ने कोशिश नहीं की है। इसलिए जब तक कोशिश नहीं की हम कैसे मानते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है बच्चों कि हमेशा प्रतिबद्धता जब अगर आप पूरी होगी, और आप प्रतिबद्धता होने का एक अर्थ है कि आप परिणाम की चिंता नहीं करेंगे क्योंकि परिणाम आपका यह है कि आप मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उससे दूर नहीं होंगे। तो परिणाम की अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो नए प्रकार के प्रयोग करेंगे, और अगर आप नए प्रकार के प्रयोग करेंगे तो उसमें से किसी किसी प्रयोग में आपको सफलता जरूर मिलेगी, जैसा कि दीदी ने किया था कि एक नया प्रयोग किया। उस समय में 1952 में कितनी स्कूलें थी जो प्राइवेट थी, कौन खोल सकता था? अगर किसी ने खोली थी तो वो धन्ना सेठ थे जो स्कूल खोलते थे। कौन खोलता था? अपने स्वयं की मेहनत के आधार पर, घर घर जाकर लोगों से पैसा मांगना, बच्चों को लाना, सब जगह पर जाकर खुद मेहनत करके एक छोटी एक जगह जो कि टीले थे यहाँ पर, उन टीलों को समतल कराकर उसको एक स्कूल बनाने की कोशिश करना, एक ये उतना महत्वपूर्ण काम है और उतना ही मुश्किल काम था जितना कि मैंने अभी बताया कि घोड़े को उड़ाना। तो आप सब लोग अगर इसी प्रकार का प्रयास करेंगे तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। अगर आप इसी प्रकार की दीदी की तरह के जो कार्य किए हैं उनको सुन उनकी अनुपालना करते रहेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हम ऐसे महापुरुषों की बात करते हैं दीदी जैसे, तो हम ये सोचते हैं कि वो तो हमसे अलग थी और हम तो साधारण व्यक्ति, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो सेक्रीफाइस किए वो तो एक महान व्यक्ति कर सकता है, उन्होंने जो काम किए वो तो बहुत महान व्यक्ति कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में हम कहते हैं, जब वो कक्षाओं पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं गांधी जी ने ये किया, तो बच्चे कहते हैं साहब वो तो बहुत महान थे, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हम कैसे करें। दीदी के बारे में हम बात करते हैं तो हम सब बच्चे ही मानते हैं कि दीदी तो बहुत महान थी, तो वो तो हमसे अलग थी, वो तो महावीर बहुत महान थे, बुद्ध बहुत महान थे, गांधी बहुत महान थे, या दीदी बहुत महान थी। तो आप हमें उनकी शिक्षाएं दे रहे हैं तो उनकी शिक्षाओं का पालन हम कैसे करते हैं? हम तो बहुत साधारण व्यक्ति हैं। अगर आप में से किसी ने गांधी की आत्मकथा पढ़ी हो तो आप पाएंगे कि गांधी हम जो यहाँ इस कक्ष में बैठे हैं उनसे भी ज़्यादा साधारण व्यक्ति था। उसने वो सब गलतियाँ बचपन में की थी जो बहुत सी गलतियाँ शायद हमने भी नहीं की, लेकिन उसने उस गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की और वो महान बना। तो
महानता जन्मजात नहीं होती। महानता कोई महान व्यक्ति कोई विशेष प्रकार से पैदा नहीं होता, वो वैसा ही होता है जैसा हम लोग होते हैं। उसको भी भूख लगती है, उसको भी नींद आती है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी प्रेम आता है, उसको भी किसी से बदला लेने की इच्छा होती है, उसमें भी ईर्ष्या द्वेष के भाव होते हैं, वही जैसे हम सब में होते हैं। लेकिन महान वो बनता है जो इन भावों पर नियंत्रण कर ले, जो अपनी दृष्टि दुनिया की घटनाओं के बारे में परिवर्तित कर ले। अगर हम अपनी दृष्टि परिवर्तित कर लेते हैं दुनिया के बारे में, घटनाओं के बारे में, तो हम में से कोई भी महान व्यक्ति बन सकता है। हम जो बैठे हैं इनमें सभी महान व्यक्ति बन सकते हैं। हम सब पोटेंशियली महान हैं इस अर्थ में। सिर्फ हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। घटनाएं जो उनके साथ होती है वो हम सबके साथ होती है, लेकिन हम घटनाओं को एक अलग नज़रिए से देखते हैं और जो महान व्यक्ति हैं वो घटनाओं को अलग नज़रिए से देखते हैं। और उस नज़रिए को अगर हम विकसित कर सकें तो मेरा मानना है कि हम में से सब लोग महान बन सकते हैं। हम सब लोग दीदी जैसा काम कर सकते हैं। वो दृष्टिकोण क्या है जिसको हमें अपनाना चाहिए जिससे हम महान बन सकें, जिससे हम दीदी जैसा बन सकें, उसके बारे में अंत में मैं एक छोटे से गीत की चार पंक्ति आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैंने ये गीत लाहौर में गाया था जब वहाँ पर बुल्ले शाह एक बहुत बड़े संत हुए हैं, उनकी मज़ार पर एक मेला लगा था 1500वीं शताब्दी उनकी जन्मतिथि पर, और तब मैंने वहाँ पर जाकर एक गीत बना के गीत को गाया था। उस गीत का सार यही है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करें जिस दृष्टिकोण को विकसित करते ही हम लोग उस महान लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जिनमें दीदी है। इसके अलावा महान और हम में साधारण व्यक्ति में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, सिर्फ देखने की दृष्टि है। तो देखने की दृष्टि क्या है उसके बारे में चार लाइनें मैं सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि क्या है। जिसकी राहें अनजानी हो, जिसकी राहें अनजानी हो, जिसके आँखों में पानी हो, जिसकी बोली रब की बोली पीर लगे या जो ध्यानी हो, जिसकी राहें अनजानी हो, जिसके आँखों में पानी हो, जिसकी बोली रब की बोली पीर लगे या जो ध्यानी हो, खड़े रहे चुपचाप चौराहे दर्द सभी का जो सहते हैं, उसको यारो क्या कहते हैं, उसको बुल्ले शाह कहते हैं, उसको बुल्ले शाह कहते हैं, जिसकी आँखों में नूर दिखे, जिसमें रहमत भरपूर दिखे, जो सबकी सुनता हो दिल से, हीरों में कोई नूर दिखे, जो सबके दिल में रहता है, जिसके दिल में सब रहते हैं, उसको यारों क्या कहते हैं, उसको बुल्ले शाह कहते हैं, उसको दीदी दीदी कहते हैं। थैंक यू।